प्यारे भाइयों बहनों, आज पता लग ही जाना चाहिए कि आप हो एक सफल ह्यूमन। तो चलो मेरे संग, अगर आपने ये लाइन ना पूरी बोल ली तो पता चल जाएगा आप एक सुपर ह्यूमन हो या नहीं। तो मेरे संग बोलो, मैं विद्या कसम खाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखे हुए नहीं जाऊंगा। ले फॉर्म में ले सुपर ह्यूमन, चलो पूरी वीडियो देखते हैं। मेरी बेस्टी यार, मेरी जिंदगी इतनी तूफानी हो रखी है। और मैं हो गई ज्यादा, थम्स अप तो नहीं पी ली थी। हमारे इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ब्रश करते करते पूरा घर टहल लेते हैं, एक जो सुबह उठ के ब्रश करते हैं। आप कौन हो? यार मम्मा, आज बहुत सिर दुख रहा है मेरा, कुछ बताओ ना। सिर दर्द हो रहा है? जब दिन भर टिक फोन चलाओगी तो सिर दर्द नहीं होगा क्या? पैर टूटेंगे? काम करने दो मुझे, सिर दर्द हो रहा है। अरे पर मम्मा, क्या आपकी मम्मी भी फोन पे ही गलती डालती है? आए हाय, अरे भाई क्या हो गया तुझे? भाई कुछ ज्यादा नहीं, बस एक 39 ईयर की लड़की को आंटी बोल दिया था तो बस दो हड्डी टूटी है और पीछे के दो दांत और बस चार थप्पड़, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तू परेशान मत हो, मैं तो सारा दिन काम ही करती हूँ, कभी बर्तन कभी कपड़े कभी कुछ, क्या बोलूं। अरे मम्मा देखो, कोई है आपकी सहेली, उनका कॉल आया है। दिखा मुझे किसका कॉल है। हेलो, दिन बाद बात हुई है, हमें तो तुम भूल ही गए थी। अरे मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो कर लेंगे। हाँ मम्मी, दिन भर काम। मम्मा अगर आपने बात कर लियो तो क्या मैं फोन ले लूँ? अच्छा, तू तो दिन भर टुकुर 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 फोन में ही लगी रहती। हमारा 2 मिनट कॉल के आ गया, मम्मी फोन दे दो। क्या जाके होमवर्क कभी पढ़ भी लिया कर? अरे मम्मी मैं होमवर्क कर चुकी हूँ, और आप 2 मिनट नहीं 2 घंटे से बात कर रहे हो। अरे चुप रहो। अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं कहते। अरे बच्चे बहुत परेशान। हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहे। हेलो, अच्छा रुको, हम तुमको बालकनी में जाके बात करते हैं, वहाँ नेटवर्क आए। नमस्ते डॉक्टर, वो मेरा अपॉइंटमेंट था। नमस्ते, आपका नाम? अच्छा सोनाक्षी, आपका अपॉइंटमेंट तो कल था, आप कल क्यों नहीं आई? कल तो मेरी तबीयत खराब थी। क्या आजकल के पेशेंट्स? Hey guys, आज मैं लाइव हूँ पुणे से। अरे तू कहाँ जा रही है? एटीट्यूड खरीदने जा रही हूँ, फिर मैं भी तेरी तरफ भाव खाऊंगी, ठीक रहेगा ना? क्या बेटा, ये पड़ोस में क्या चल रहा है आज? मम्मी बर्थडे है शायद आज किसी का। किसका बर्थडे है, हमें तो पता ही नहीं चला। मम्मी शायद किसी 2U का है। 2U? हाँ सब यही कह रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओएमजी, मम्मी आपको मालूम है कल मेरे बेस्टी को कुत्ते ने काट लिया। इलाज चल रहा है फिर उसका? हाँ मम्मी, कुत्ते का इलाज चल रहा है। नमस्कार भाई बहनों, मैं सोनाक्षी कैमरामैन श्रीजन के संग। तो आज हम एक बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर लड़की को फैल चुकी है। तो हम डॉक्टर सोनाक्षी से बात करते हैं। हाँ जी नमस्ते सभी भाइयों बहनों को, मैं डॉक्टर सोनाक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस बीमारी के बारे में। आजकल ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके अंदर ये बीमारी नहीं है। तो मैं आपको बेशक इसका नाम बताना जरूरी समझूंगी, इंस्टाग्राम रील्स। तो आज जिस लड़की ने अभी तक इंस्टाग्राम रील नहीं बनाई है उसे हम 1 लाख रुपए देंगे। आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ जी, जैसे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सोनाक्षी ने कहा कि आपको आगे की जानकारी मुझसे मिलेगी। तो आप तुरंत नीचे आए गए नंबर पे कॉल करिए,
और अगर आपने भी रील नहीं बनाई है तो हम आपको देंगे 1,00,000 रुपए। अगर आपका अकाउंट भी नहीं, आपने कोई पोस्ट भी डाली है तो हम आपको देंगे 10,00,000 रुपए। जल्दी से कॉल करिए इस नंबर पे। थैंक यू। इधर आना बेटा जानवी, इधर आना, इधर आओ, इधर आओ। देखो ये टीवी में पता नहीं क्या दिखा रहे हैं आजकल। अरे पापा, ये लोग दिखा रहे हैं जिसने इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाई है ये उसे 1,00,000 रुपए देंगे, और जिसने पोस्ट नहीं डाली उसे तो 10,00,000 रुपए देंगे। अच्छा, तुमने बनाई है क्या? ऑफ कोर्स मम्मा, मेरी तो 700 रील्स हैं और 500 पोस्ट हैं और मेरे 1,000,000 फॉलोअर्स भी हो गए। क्या बताऊँ मैं बेटा, तुझे एक आईफोन चाहिए था ना? हाँ डैडी, मुझे चाहिए ना, मुझे दे रहे। हेलो, सबको पता है। हेलो साक्षी, मुझे पता है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, मिलने वाला था पर अब नहीं मिलेगा। और नकली डॉक्टर सोनाक्षी, आज तो सबने हमारी न्यूज बहुत देखी। और ऐसा कौन है जिसने आज तक रील नहीं बनाई है? सबने न्यूज भी देखी और हमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़े। सही कह रही है आप। यार अगर आज तेरे पास एनीवेयर डोर होता ना। हाँ हाँ, तो भी तो लेट के फोन ही चलाती। गजब बेचती है यार। क्या कहूँ, सुकून तो तब मिलता है जब टीचर कहते हैं तुम बैठ जाओ, तुम नहीं तुम्हारे पीछे वाला बताएगा। बहुत खुशी तो तब होती है जब आधी रात को नींद खुलती है और पता चलता है कि बाकी सोना तो अभी बाकी है मेरे यार। आईफोन 12 तो ले लिया लेकिन बेस्टी की बहुत याद आती है। आपको मालूम है आपका बेटा बहुत बदतमीज है। इसका मतलब अभी तो आप मेरी बेटी से ही नहीं मिली। तो कैसी लगी ये वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव दिस अ बिग थम्स अप गाइस। आपको कैसी लगी मेरी कॉमेडी वीडियो? आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो आए तो जल्दी से बनाइए। प्लीज सपोर्ट करिए, लव सपोर्ट भी जाकर चाहिए। और प्लीज अभी मेरी नई आईडीज बनेंगी उन्हें भी फॉलो कर दीजिएगा।